स्ट्रक्चर और यूनियन। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उसका अर्थ है, उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर और यूनियन। अज्यूम कीजिए एक सुखी और समृद्ध परिवार, जैसे कि ये परिवार। आप हंस रहे होंगे कि मैंने अमिताभ बच्चन का नाम क्यों लिया है, पर इसका नाम लेना ज़रूरी भी इसलिए था क्योंकि प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बन जाता है। अब प्लान कीजिए इन सबको मिलकर के एक वाहन खरीदना है, ऐसा वाहन जो इस पूरी फैमिली को कहीं कहीं ले जा सके। जाहिर है कार एक अच्छा ऑप्शन है, पर ऐश्वर्या कहती है नहीं, मैं तो स्कूटी लूंगी। अभिषेक कहता है नहीं, मैं तो बाइक लूंगा, मैं धूम में जो था। माँ कहती नहीं बेटा, तुम स्कूटर ले लो, सब्जी भाजी रखने भी काम में आएगा। पर देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत डिस्क्रीट हैं, बहुत अलग अलग हैं। अब मैं स्ट्रक्चर एंड यूनियंस के साथ इनको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमारे काम आ सकती हैं। अब देखिए कार, कार के फ़ायदे क्या हैं। कार के फ़ायदे ये हैं कि सारी की सारा परिवार एक साथ उठ करके कहीं भी जा सकता है। कार पूरी हुई पूरी चीज़ को एक एंटिटी की तरह बाइंड करती है, उस पूरे परिवार को कवर करेगी, उस पूरे परिवार को कहीं साथ लेके जाएगी। कार उसे एक अकेले आदमी के लिए यूज़लेस है जो एक बार में अपने आप को कहीं ले जाना या कहीं पहुँचाना चाहता है। कार तब इफेक्टिव नहीं रहती है जब आप एक पर्सन के लिए उसकी ट्रैवलिंग देखें, बट कार तब इफेक्टिव बहुत रहती है जब एक पूरा परिवार कहीं ट्रैवल करे। अब जाहिर है स्कूटर के बारे में बात करते हैं। स्कूटर एक इंडिविजुअल के लिए है, एक सिंगल आदमी के लिए जो कहीं जाना चाहता है। स्कूटर के पास आपके पास चॉइसेस हैं, आप चाहें तो एक स्कूटर लेके जाएं, दो लेके जाएं, मगर स्कूटर में आपके पास चॉइसेस रहती हैं। मगर एक बार में एक ही आदमी जा सकता है और यूटिलाइजेशन बेटर नहीं रहती है दो लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं इसका कंपैरिजन स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर एक ऐसी बाइंडेड एंटिटी है जिसको आप कह सकते हैं कि जब आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए किसी चीज़ को आपको एक से ज़्यादा चीज़ों में डिस्क्राइब करना हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक यूनिट का आधार लेते हैं, मान लीजिए एक क्लासरूम की बात करें। एक क्लासरूम में मान लीजिए 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक का अपना एक नाम है, तरीका है काम करने का, वो है, हर चीज़ है उसके अंदर। उसमें क्लासरूम में एक बोर्ड है, एक टेबल है, उसके ऊपर डस्टर रखा है, एक कुर्सी है, एक मेज़ है। मगर अगर आप इस चीज़ को देखें तो यही सब चीज़ें मिलाकर के एक क्लासरूम को बनाती हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ निकाल दी जाए, बच्चे, टेबल, कुर्सी या फिर ब्लैक बोर्ड, तो क्लासरूम पूरा नहीं रहता है। इसी तरह से स्ट्रक्चर का हाल है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जिनका अपना अपना एक टाइप होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूँ कि कैरेक्टर है एक स्ट्रक्चर में, मान लीजिए तो एक बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, इंटीजर है तो वो 4 बाइट ले रहा है, और फ्लोट है तो वो 4 बाइट ले रहा है, तो स्ट्रक्चर का टोटल साइज हो गया 9 बाइट। स्ट्रक्चर उस कार की तरह है जो एक सिंगल यूनिट की तरह सबको बांध करके एक साथ ले जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि पूरा परिवार एक कार में जा सकता है। स्ट्रक्चर का अजम्पशन हमेशा ये रहता है कि कार हमेशा भरी जा रही है, क्योंकि कार कहीं पे भी जाए वो भरी ही जाएगी या खाली ही जाएगी। सीटें वो जो हैं वो या तो भर के जाती हैं, खाली जाती हैं, मगर जाती पूरी हैं, अलग अलग नहीं जा सकती हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चर का साइज़ जो होता है वो चारों को पैक करके ही कैलकुलेट करा जाता है हमेशा। अब हम बात करते हैं यूनियन की। यूनियन क्या होता है? यूनियन का अर्थ होता है कि ऐसे वो कंपोनेंट्स जो देखने में एक जैसे हो मगर एक समय में एक ही का इस्तेमाल हो। मेरे आगे बने एग्जांपल से आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। मान लीजिए मुझे कोई चीज़ डेटा पास करना है जो या तो करेक्टर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं रन टाइम पे उसको डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, या मुझे बाद में ये पता करना हो कि मुझे क्या चीज़ पास करनी है, मगर जानी कोई एक चीज़ ही है। मान लीजिए आपके घर से किसी को सब्ज़ी लेने जाना है, मगर जाएगा तो कोई एक ही ना, हर सारे लोग तो उठ के नहीं जा सकते हैं। तो जो एक चीज़ जाएगी उसको भेजने के लिए हमें यूनियन का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अगर मैं कैरेक्टर पास करूँ या इंटीजर करूँ या फ्लोट करूँ, वो एक यूनियन का पैरामीटर बन जाता है। यूनियन क्या है? जब आपको मल्टीपल चीज़ों को एक सिंगल यूनिट में बांधना हो मगर एक बार में एक ही एक्टिव रहे, उसे यूनियन कहते हैं। जब आप यूनियन लिखते हैं उसमें डाटा का लॉस होना संभाविक है,
क्योंकि एक बार में एक ही चीज़ जा सकती है। यदि आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा डाटा जाए तो आपको स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में फ़ायदे और नुकसान दोनों के क्या हैं। स्ट्रक्चर का साइज़ आप जैसा भी चाहें उतना ही रहता है, चाहे आप उसमें एक चीज़ भरें या सारी की सारी चीज़ें भर दें, मगर यूनियन का साइज़ वेरी करता है उस हिसाब से जिस हिसाब से उसका सबसे बड़े का साइज़ होगा। यूनियन का साइज़ वो होता है जो उसके सबसे बड़े का साइज़ है। मान लीजिए आप यूनियन भेज रहे हैं, इसमें एक करेक्टर है, एक इंटीजर और एक फ्लोट है, मगर यूनियन का साइज़ वो होगा जो उसके सबसे बड़े मेंबर का साइज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी सीट वो ही लेगा। यानी कि फ्लोट का साइज़ ही यूनियन का साइज़ होगा इस केस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन है। मैंने इस फंक्शन के आप देखिए कि मैंने इसके कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं। मैंने इसमें अरुण दिया, 28 दिया, फिर एम दिया, 80 दिया, 90 दिया, 90 फिर दोबारा दिया, 95 दिया, 94 दिया, 99 दिया, 75 दिया और 80 दिया। अगर आप इतनी सारी चीज़ों को देखें, आप कहेंगे कि मैंने इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर बना दिए हैं। और ऐसा ही फंक्शन जब मैं इसे पास करूँगा तो ये इसकी जो आर्ग्यूमेंट और इसका डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। करेक्टर स्टार नेम, इंटीजर एज, कैरेक्टर सेक्स, इंटीजर टोटल मार्क्स, इंटीजर सेम वन, इंटीजर सेम टू। आप देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर पास करी हैं, जो कि एक बहुत ही रिडंडेंट टाइप का फंक्शन लग रहा है मुझे ये। मगर इसी को एक बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक स्टूडेंट की डिटेल क्या होंगी, तो स्टूडेंट का क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट के बारे में सोचिए आप क्या क्या सोच सकते हैं। उसका नाम, उसकी उम्र, उसका सेक्स, उसके टोटल नंबर कितने आए हैं। आप इस पूरे स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर बना करके इस फंक्शन में स्मूथली पास कर सकते हैं। लग रहा है ना ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फंक्शन उस पहले वाले फंक्शन से बेटर? तो यही फायदा होता है एक स्ट्रक्चर को पास करने का खुले आर्ग्यूमेंट्स के मुकाबले। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करा जा सकता है? जब आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ को एक ग्रुप की तरह से देखा जाए, तब आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास करनी हो, मगर सारी की सारी आर्ग्यूमेंटें एक से जुड़ी हुई हों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छात्र है जिसका नाम होगा या उसकी उम्र होगी या उसकी मार्क्स होंगे, मगर हैं तो सब जुड़े हुए छात्र से ही ना, तो रहेंगे वो क्या, स्ट्रक्चर का पार्ट। जब आपको एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंटें बाहर रिटर्न करवानी हो, आप चाहते हैं कि एक फंक्शन है जो आपको छात्र की डिटेल भर के दे, तो आप चाहते हैं आप एक एक बार में एक ही वेरिएबल रिटर्न करवा सकते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल रिटर्न करा लें जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स छात्र की मिल जाएं। आप इसका इस्तेमाल पॉइंटरों के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके समक्ष एक एग्जांपल रखने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक प्रिंट फंक्शन है जिसके अंदर एज पास करी गई है, वो एज प्रिंट कर रहा है, एवरेज प्रिंट कर रहा है, फिर टोटल मार्क्स प्रिंट कर रहा है, फिर ग्रेड प्रिंट कर रहा है। अब इन सबको मैंने उठा करके एक मेन में डाल दिया तो ये सब यहाँ कॉल हो रहे हैं। इससे बेहतर यह है कि मैं इसकी एक यूनियन बना लूँ, क्योंकि एक बार में तो मैं एक चीज़ ही चाहूँगा, या तो मैं एवरेज चाहूँगा या मार्क्स चाहूँगा या मैं उसका ग्रेड चाहूँगा, ये सब के सब मुझे एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्योंकि अगर एक छात्र की आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो आप एवरेज देखेंगे या उसके नंबर देखेंगे या उसका ग्रेड देखेंगे, मगर आप चाहेंगे तो एक बार में एक चीज़ ही ना, वे अलग अलग चीज़ों को तो नहीं चाहेंगे आप, क्योंकि ये सब के सब उसकी परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने स्विच केस का इस्तेमाल किया और मैंने पास किया उसके अंदर एवरेज। अगर आप जो भी आप इसके अंदर डिटेल भेजना चाहेंगे वो उसे भेज के रिटर्न करेगा वहाँ से। यूनियन का इस्तेमाल कहाँ किया जाना चाहिए? जब आपके पास एक ग्रुप जैसी चीज़ हो, मगर आप उसमें से एक ही चीज़ चाहते हो रिटर्न करवाना, तो आप यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंटें हों, आप उसमें यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर यूनियन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ आपको कम मेमोरी का इस्तेमाल करना हो, और वहाँ पर जहाँ पे आपके पास कोड लिखने का एरिया बड़ा कम हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में डालते वक्त। मोबाइल फ़ोनों के पास एक लिमिटेड मेमोरी होती है, हैंड हेल्ड डिवाइसेज में लिमिटेड मेमोरी होती है, उसमें आपके पास ज़्यादा एरिया नहीं होता है, आप रैम को ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको वहाँ पर यूनियन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका